वीडियो एक धमाके तीन दोस्तों, अल्केजार भी देखोगे, एक्सल सिक्स भी देखोगे दोस्तों, और एलिवेट भी देखोगे। ये तो अल्केजार का टॉप वेरिएंट है, सिग्नेचर। इसमें बोस ऑडियो लग के आता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बोस के फ्रंट के आपके स्पीकर्स लगे हुए हैं, रियर में भी बोस के स्पीकर्स लगे हुए थे इसमें, और ये ट्यूटर्स लगे हैं। और दोस्तों बोस अच्छा है, लेकिन जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करती है सोनी ईएस सीरीज दोस्तों। हर एक की अपनी चॉइस रहती है, अलग अलग अपने म्यूजिक लवर्स रहते हैं। ये कार के अंदर वंस अगेन सोनी ईएस सीरीज का सेटअप किया है। चारों डोर में ईएस सीरीज के कंपोनेंट हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। एक एक हमारा कंपोनेंट किस तरीके से हम फिट करते हैं, पाइनियर की डैम्पिंग की हुई है, इंटरनल एक्सटर्नल। फ्रंट में भी एक एक कंपोनेंट क्रॉसओवर की फिटमेंट हमारी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज वीडियो बनाने का पर्पस ऐसा था कि हम किस तरीके से वायरिंग करते हैं, हम कनेक्टर किस तरीके से देते हैं, प्लेयर तक भी खोलने की जरूरत नहीं है। आप चेकआउट कर सकते हैं, ये बोस का एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये हमारे कनेक्टर्स हैं। नॉट इवन अ सिंगल वायर गाड़ी के अंदर टेम्पर्ड हुई है, ये है हमारी कलाकारी। बोस भी लगा हुआ है, सोनी ईएस सीरीज का भी सेटअप किया है। एग्जिस्टिंग इनके हुफर भी ऑन है, इनका एम्प भी ऑन है दोस्तों। विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनैलिटी हमने सोनी ईएस सीरीज का सेटअप ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। प्लेयर तक भी खोलने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब कनेक्टर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं एवरीथिंग सॉकेट टू सॉकेट ही इंस्टॉल किया है। ये कनेक्टर्स हैं जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। अब बोस भी परफेक्टली वहाँ ही फिट है। अब चलते हैं कार के अंदर और इफेक्ट सुनते हैं। ओनर ऑफ द कार हिरेन भाई हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले इनको पूछना चाहूँगा, बोस लगा था और अच्छा था मैं बोलूँगा, लेकिन जो सोनी ईएस सीरीज है उसकी कुछ बात कुछ और है। हिरेन जी कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उम्मीद नहीं की थी कि इतना बढ़िया इफेक्ट मिल सकता है। बोस में भी आ रहा था इफेक्ट, मगर इसमें जो पंच, जो बीट्स, वो बोस में नहीं है। आज मेरा रोज का ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 3 घंटे का है। चर्च गेट से जब रिटर्न आता हूँ शाम के टाइम पे ट्रैफिक में, बोस लगाता हूँ, मगर वो फील नहीं आता यार। ट्रैफिक में ऐसा लगता है यार टेप बंद करके बैठे रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। बट ये ऑसम है। अब मेरा ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा बोरिंग रहेगा ट्रैफिक में, मज़ा आएगा। दोस्तों इतने सोनी ये सीरीज के सेटअप लगाए हैं, मैं कितने सारे वीडियोस में आपको साउंड भी नहीं चेक कर पाया, क्योंकि ये कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। अभी हम एक मोबाइल से शूट ले रहे हैं, रोड का माइक है, लेकिन जो एक्चुअल हमें जो फील मिल रहा है, कैमरा ये चीज जस्टिफाई नहीं कर सकता है। वो हेडफोन में भी यही सॉन्ग आप मेरे सुनते थे ईएस सीरीज के, लेकिन जो इधर बैठ के फील लेना है वो एक अलग ही है। मैंने आपका पहला आते ही ये सवाल पूछा था कि मैं बोस की जगह पे अगर सोनी पे अपग्रेड करता हूँ, मुझे क्या वो पंच मिल पाएगा? क्योंकि मैं आपके जितने भी देखे हैं वीडियोस में देखे, बट वो फील नहीं आ पाता। टीवी में मैं क्या फील कर पाएंगे हम? जब तक मैं यहाँ पे आके लगा करके देख रहा हूँ, बस एंड है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है हिरेन भाई, एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये है, ये जो मेरा रास्ता था ना सोनी ईएस, और क्वालिटी बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरे को बहुत टाइम लगा लोगों को समझाने के लिए। मेरे पास है ना, आपने देखा 10-12 और भी ब्रांड थे मेरे मार्जिन वाले, और वह झटपट बेच भी सकता था, लेकिन एक मेरा दिल था कि मुझे अच्छी चीज़ देनी है, एक ब्रांड देना है आपको, जो आपको सालों साल लगने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मेरा बोस लगा था भाई, ये तनवीर ने ये निकाल के क्यों ये चीज़ किया है।
बिल्कुल, ये चीज अल्टीमेट है दोस्तों, और खास करके ये जो कलाकार ये पूरी ओएफसी वायरिंग ये कनेक्टर्स की है तब जाके ये फील मिल रहा है। हुफर भी इनका एक्टिवेटेड है, एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड है। सर हमने प्लेयर खोला भी क्या? कुछ भी नहीं। ये क्या मेरी प्लेयर की सारी देखो ना, ये कंपनी की सब प्लास्टिक सभी भी लगे हुए हैं। ये कलाकारी है सर, एक एक जो हम लोग वर्क करते हैं ना, नहीं यार कनेक्टर्स चाहिए, ये चाहिए कंपनी से टाई अप करके, नहीं हमको इसके बना के दो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बॉस है अच्छा, लेकिन उसकी जो बात अलग है जो सोनी ईएस सीरीज की। थैंक यू। मेन चीज आपकी एक और अच्छी लगी कि जब आपका ये सब फिटिंग चल रहा है प्रोसेस एकदम प्रोफेशनली सब व्यवस्थित कर रहे, कोई ऐसा बोलने का मौका तक नहीं, ना शिकायत। और मैं वो अजम्पशन में था आज मैंने नई गाड़ी ली है, कल उठ के अगर वायरिंग में कुछ डिफेक्ट हुआ मुझे वारंटी में क्लेम मिले नहीं, बट यहाँ के देख रहे हो तो टोटल सिनेरियो ही अलग है। वायरिंग तो कंपनी का कोई टच कर ही नहीं रहे आप लोग, अब बाहरी बार आपका पूरा अलग ही करके ख़त्म हो जा रहा है यार, कुछ समझ भी नहीं आया कि ये लग भी गया। और प्लस इंस्टॉलेशन के लिए कोई बोल नहीं सकता कि मेरी एम्पलीफायर कहाँ लगा हुआ है, कि वूफर कहाँ है, स्पीकर कहाँ है, कुछ देख के समझ में नहीं, ऐसा लग रहा कंपनी फिटेड ही है सब। ये आपका एक बहुत एक्सक्लूसिव यूएसपी है कि आप जो भी काम करते हो सब कंपनी फिटेड है, ऐसा लग रहा है वो कोई नहीं कर पाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत बढ़िया है सोनी ईएस। थैंक यू सर। ये सेम गाना सेम वॉल्यूम सर रोज सुनते थे, मगर मैंने जब भी पहले बोस में सुनता था ये गाना 20 के ऊपर मैं वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि एक एक वर्ड उसके फटते थे, मतलब मैं कौन सा गाना सुन रहा हूँ समझ नहीं पा रहा था। और आज इस पे उतने ही वॉल्यूम में मगर फील जो आ रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं थिएटर में बैठ के ये गाना सुन रहा हूँ। ये है सोनी ईएस, इसका इफेक्ट और कोई नहीं दे पाएगा सर। सोनी ईएस, सोनी जो नाम में वो दम है, प्रोडक्ट में दम है उनके, और वो जो बनाते हैं ना वो आपके लिए बनाते हैं, मेरे लिए वो चीज़ नहीं है, वो डायरेक्ट वो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाए। बट डायरेक्ट कंज्यूमर तक आने के लिए भी तो मीडिएटर आप ही हो, वरना हमें कैसे गाइड करेगा कि ये मेरी गाड़ी के लिए ये बेस्ट है, कि कौन सा बेस्ट है, कि क्या है क्या नहीं। मुझे अदर ब्रांड्स के नाम नहीं लेने, बट मैंने भी जब देखे आपके ऑप्शंस, आपने भी मुझे दिखाया, बट ये ऑप्शन मेरी गाड़ी के लिए सबसे सूटेबल है वो तो मुझे नहीं पता रहता ना। आज दूसरे कोई भी डीलर के पास जाओ, कुछ भी जाओ, वो अपना बेनिफिट देख के वो अपने को माल चिपकाने वाले काम रहते हैं, एक्चुअल में मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए वो तो गाइड करने वाले आप हो, तो वो एक आपका एक चीज़ अच्छी है, तो इसके लिए यहाँ पे आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक ही वीडियो में ट्रिपल धमाका करेंगे, होंडा एलिवेट देख चुके हैं, एक्सएल सिक्स ये भी एक ही चीज के लिए आई है, सोनी ईएस सीरीज के सेटअप के लिए, ईएस सीरीज के आगे कंपोनेंट, ईएस सीरीज के कोएक्सल, GS4 का एम्पलीफायर, हाई रीच के साथ प्लेयर हमने चेंज नहीं किया, और पाइनियर की डैम्पिंग की हुई है, इफेक्ट इसका भी सुनाएंगे। लेकिन जो इंटीरियर हमने किया है, इंटीरियर स्टाइलिंग किट हमने ये जो ड्यूअल टोन कार्बन फाइबर फिनिश की जो ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है, स्टेयरिंग द मस्क्यूलर डी कट स्टेयरिंग भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, और सीट कवर जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं आइस पर्ल कलर के। दोस्तों हमारी सीट कवर की फिटमेंट फिनिशिंग आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर से बोलूँगा ये कार खास करके आई है स्टेयरिंग एंड सोनी ईएस सीरीज के सेटअप के लिए। अब चलते हैं कार के अंदर और इफेक्ट सुनते हैं। अब बारी है इफेक्ट की दोस्तों। सोनी ईएस सीरीज का सेटअप ये कार के अंदर इंस्टॉल किया, और सर को हमने सजेशन दिया था प्लेयर तो हम चेंज करेंगे ही नहीं, आज एक वीडियो में ट्रिपल धमाके तीनों भी कार सुनाएंगे।
बदामी एक लाट कर गई कितने सी मैं देखे हलाक कर गई कितने आंदे दिलां दे चला गई हारियां जदों जांदी जांदी मेरे नाल गल कर गई करती दी पला हाथ उत्ते टाइम दा जुड़ जांदी देख मेरा दिल सहमदा पिंदी मैनू मेरे कोलो हाथ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 ओए होए नी तू सोहणी बाली करदा दिल मिलण नू काली कातों तू डरदी कुड़ी ए ला ले। ओनर ऑफ द कार हमारे साथ हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पीछे अलकज़र भी खड़ी है दोस्तों, उसका भी वीडियो मैं मर्ज करने वाला हूँ। सोनी ES सीरीज क्या है? बोस ऑडियो लगा है उनकी कार के अंदर, लेकिन जब ES सीरीज उन्होंने सुना ना, जिस हिसाब से हमारे इंजीनियर्स जो ट्यून करते हैं ये वाली चीज़ को, सीधा बोला उन्होंने हमारी कार के अंदर भी ES लगाइए, उसका भी मैं वीडियो मर्ज करूंगा। सर कैसा रहा एक एक चीज़ जो हमने सजेशन दी, और ख़ास करके आप सोनी ES सीरीज के लिए आए थे? सर एक्चुअल मैं बहुत पहले से आपका वीडियो मैं देख रहा था, तो बोल रहे थे कि भाई जो जेन्युइन है मैं वही आपको बताऊंगा, अननेसेसरी चीज़ मैं नहीं खर्चा करवाऊंगा। ये ट्रस्ट लेके आया था और मेरा मेन मोटो यही था कि स्पीकर साउंड सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा चाहिए था, क्योंकि कभी भी रहेगा तो एक तो ड्राइवर एक तो साउंड, यही म्यूजिक सिस्टम ही साथ में चलते हैं, बाकी तो लोग रहे ना रहे वो बात अलग है, तो सफ़र उससे ही कटना है। सर पे ट्रस्ट किया, सोचा कि देखते हैं ये खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, बोलते तो हैं सुनते भी हैं, लेकिन रियली में आया तो देखा कि नहीं, इनका काम का फिटनेस बहुत ही प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो बोलूँगा कि आप सब भी आइए एक बार यहाँ से काम कराइए, बाकी सब भूल जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये चीज़ है ना सोनी ES सीरीज़ को, मुझे टाइम लगा सब लोगों को समझाने के लिए क्वालिटी क्वालिटी, लेकिन आज जाके सबको पता चला कि मैं क्या इतने टाइम से बोल रहा था। और सर मैं अपने लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ सजेशन देता था, मेरे पास 10 और ब्रांड थे मेरे मार्जिन करने के लिए, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया, मैंने ये रास्ता अपनाया कि मैं कस्टमर को क्या अच्छी से अच्छी चीज़ दूँ, और आप लोगों के सामने वो रिज़ल्ट है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको ये मौका के लिए। और आउटर ये कार में हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, सर का एक ही रिक्वायरमेंट था, मुझे एक म्यूज़िक का फील आना चाहिए। मैं कार के अंदर बैठता हूँ तनवीर भाई, एक जब मैं ड्राइव करूँ ना मुझे मज़ा आना चाहिए, और वो चीज़ सोनी ES सीरीज़ है। और मस्कुलर डी कट स्टेयरिंग भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की। होंडा एलिवेट दोस्तों, मैं तो बोलूँगा फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल, ये तो टॉप वेरिएंट है होंडा एलिवेट का। अभी आप सोचेंगे टॉप वेरिएंट ले लिया तो क्या कराने के लिए विगाटो में आए हैं? दोस्तों ये कराने आए हैं सोनी ES सीरीज का सेटअप, टॉप वेरिएंट है, प्लेयर शानदार है, लेकिन स्पीकरों में दम नहीं था। तो कस्टमर को हमने सजेशन दिया चारों भी सोनी ES सीरीज के हम कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे विद द सोनी GS4 एम्पलीफायर के साथ। लेकिन दोस्तों ये सब टॉप वेरिएंट में जो है ना दोस्तों, कंपोनेंट एम्पलीफायर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कलाकारी है असली वायरिंग में, जो OFC वायरिंग हम ये कार के अंदर, ये OFC वायरिंग ये कार के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। ये मेन वायर है, ये कंपोनेंट की वायरिंग्स है दोस्तों, असली कलाकारी ये वाली चीज में। जो प्लेयर भी है उसमें भी हमने कनेक्टर यूज किए हुए हैं, जो कंपोनेंट है उसके अंदर भी हमने कनेक्टर यूज किए हैं, नॉट इवन अ सिंगल वायर कार के अंदर टेम्पर्ड हुई है। अब चलते हैं कार के अंदर और जरा म्यूजिक सुनते हैं दोस्तों। अब टाइम है रिव्यू का। प्लेयर तो बहुत शानदार है, स्पीकर्स उतने दम वाले नहीं थे, तो मैंने बोला ES सीरीज का सेटअप किया जाए। ओनर ऑफ द कार भी विशाल सर हमारे साथ हैं, लेकिन कैमरा ये चीज़ जस्टिफाई कर सकता है विशाल जी? बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो फील गाड़ी में आ रहा है अभी, जो सुन रहे हो, वो कैमरा में या मोबाइल में बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहे हो। जो फील है अभी वो बिल्कुल मोबाइल में मिलेगा नहीं कभी भी। और जो चीज़ के लिए मैं इधर आया था 100% मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। और इधर जो आपसे कोऑपरेशन मिला, आपके स्टाफ जो है बिल्कुल 100% कोऑपरेटिव मिले, और जो चीज़ के लिए आया कम से कम टाइम में, और वो भी जो भी डिस्काउंटेड रेट में मिला है, तो मैं वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा,
देखो म्यूजिक मस्त है, सब है, वो तो ES सीरीज का बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद में एक ब्रांड है, 3 साल की वारंटी, हाई रिस्क है। मैं अपने व्यूवर्स को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी वर्कमैनशिप सिर्फ बोलने के लिए है क्या, कलाकारी किस तरीके से, जैसे कि प्लेयर है सर जी आपके सामने, एक एक कनेक्टर यूज किए कि नहीं है, आपकी एग्जिस्टिंग ओरिजिनल वायर हमने एक भी टेम्पर्ड नहीं की है, सोनी ES सीरीज का पूरा सेटअप हमने इंस्टॉल किया है, आप सामने ही थे, नॉट इवन आप बोलेंगे स्पीकर सॉकेट केबल तक हमने होंडा के इंस्टॉल किए हुए हैं। दोस्तों इसी के लिए तो कस्टमर हमको चूज करता है, ये परफेक्शन ऑफ वर्क के लिए, और बिलीव करो दोस्तों हुफर हुफर तो हमने इंस्टॉल किया ही नहीं है। और सर मुझे बोल रहे थे तनवीर हुफर लगा दूं क्या, मैंने बोला नहीं सर हमको वो सब चीज़ें नहीं लगानी, एक बार आप, मैंने क्या बोला, एक सुन के देखो, नहीं होगा मैंने बोला हम हुफर भी लगा देंगे। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। लेकिन बिलीव मी सोनी ES सीरीज सेटअप इज नेक्स्ट लेवल, एक ब्रांड है, एक क्वालिटी है, मैं ये बोलूँगा कोई नहीं भी आ सकता है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में सब अच्छा काम करते हैं। एक बार आप स्पीकर खोल के देख लेंगे ना सोनी ES सीरीज़ का, आप जान जाएंगे कि ये प्राइस रेंज में कितनी बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं। और ये एम्पलीफायर को तो तोड़ ही नहीं है GS4 का, पाइनियर की डैम्पिंग की है, एवरीथिंग OFC वायरिंग हमने इंस्टॉल किया हुआ है। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच।